वेलकम टू ईशानी वीडियोस। करवा चौथ का व्रत रखा गया है पूर्वी की तरफ से। अब आने वाले एपिसोड में आरवी को एक सबसे बड़ी बात पता चलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर मोनिशा जो नागिन के तौर पर बैठी हुई है वो यहाँ पर एक बार फिर से व्रत रखकर आरवी को बताते हुए नजर आएगी कि आखिर में मैं तुम्हारे लिए सब करती हूँ तो ये भी करूंगी, और यहाँ पर मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है तो तुम्हारा फर्ज है जल्दी से आओ और मेरा यहाँ पर व्रत तुम्हें ही खुलवाना है। ये सारी बातें सुनकर आरवी के मन में सवाल तो आता है कि आखिर में मैं करूँ तो ये क्यों करूँ। और वहीं दूसरी तरफ मोनिशा और उसके साथ साथ बाकी सभी लोगों के अलावा पूर्वी को यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि उसका पहला करवा चौथ है, उसकी तबीयत खराब हो या फिर ना हो, लेकिन उसे ये व्रत रखना जरूर है। और आने वाले एपिसोड में ऐसा होते हुए भी नजर आएगा, जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर मोनिशा को साइड में करते हुए पूर्वी ने यहाँ पर पूरी तरह से व्रत रखा है और यहाँ पर घर के एक सदस्य को पता चल चुका है कि उसने व्रत रखा हुआ है। और आखिर में अब आने वाले एपिसोड में करवा चौथ का व्रत पूरी तरह से निभाया जाएगा, मनाया जाएगा, और यहाँ पर सर्गी की रस्म जो होने वाली है वो सर्गी की रस्म आगे बढ़ेगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब यहाँ पर आरवी को पता चलेगा कि पूर्वी की तबीयत खराब है और वो यहाँ पर बेहोश हो गई है और उसको व्रत खुलवाना है। और यहाँ पर पूरी तरह से पूर्वी ने व्रत रखा है जैसे सामने बात आएगी तो आरवी के मन में खुशी भी रहेगी, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसके मन में कुछ सवाल भी रहेंगे कि आखिर में पूर्वी ने ऐसा किया क्यों और इतनी ज्यादा यहाँ पर बीमार होने के बावजूद भी उसने व्रत क्यों रखा, जिसके बाद में कई सारे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जिसे देखकर आप सब काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बनेगा जब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर एक तरफ काफी ज्यादा खुश होते हुए मोनिशा नजर आएगी कि आखिर में पूर्वी को साइड में छोड़कर अब यहाँ पर आरवी उसका व्रत खुलवाने के लिए आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा बल्कि पूर्वी का पहले व्रत खुलेगा और यहाँ पर मोनिशा की फिर से बैंड बज जाएगी। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड आने वाले एपिसोड देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स।